इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं व्यापारियों की राष्ट्रीय संस्था कैट के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी द्वारा टैंक रोड स्थित उनके ऑफिस में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। यह इफ्तार की दावत खासतौर से व्यापारी भाइयों के लिए रखी गई, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर हरीश गांधी, नियाज अहमद मंसूरी, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, नसीम अख्तर, हाजी जमील अंसारी, इम्तियाज पप्पू, अदनान सऊद आदि समाज के जिम्मेदार लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर, आज आप यहाँ आपने यहाँ पर अपने ऑफिस पर जो करीबी लोग हैं आपके, उनके लिए आपने इफ्तार को जो इंतज़ाम किया है, इसके बारे में थोड़ा सा। भाई, ये रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, और रोज़े इफ्तारी का हमने एक प्रोग्राम रखा छोटा सा, जल्दी बस एक आध घंटे पहले ही एकदम अचानक प्रोग्राम बन गया। तो सारे साथियों को, दो चार जो है हमारे ख़ास करीबी दुकानदार और दोस्त, उनको फ़ोन किया और सभी माशाल्लाह सारे सबने शिरकत की और सबने दुआ मांगी अमन शांति की, कि देश में अमन शांति भाईचारा बना रहे, इसके लिए अमन शांति का बहुत अच्छा पैगाम दिया था ताहिर जी के लिए। कुछ कहना चाहिए तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, सर बुलाते हैं दिल से आ जाते हैं बस। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम आज के इफ्तार के बारे में और थोड़ा सा ताहिर जी के बारे में, अगर आप कह सकें, जो इतना अच्छा काम करते हैं, जो आपस में मेल की, भाईचारे की जो बात करते हैं, उनके बारे में सर। मुझसे एक लफ्ज में अगर पूछें तो ताहिर जी खुद एक मुकम्मल एक हिंदुस्तान नज़र आता है मुझे, जिसके अंदर जो इनकी भावना है और जो इनका प्यार है हर इंसान के लिए। सबसे अच्छी चीज़ इनकी क्या लगती है कि आप किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के लिए तक अपनी फिक्रमंदी रखते हैं जो हिंदुस्तान में बसता है। और इस सब को जो है वो हम तभी पूरी तरह से कामयाब कर पाएंगे जब एक मुट्ठी की तरह हम जुड़ जाएंगे और साथ आ जाएंगे। तो इसी फिक्र और इसी जो क्या नाम है दर्दमंदी और किसको कहते हैं अपनी भावना को प्रकट करने के लिए आपने इस प्रोग्राम को रखा। और खुशी की बात यह है कि बस आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि दिल ईद करीब है और मैं अपनी मसूलियत की बिना पे, जैसे माशाल्लाह हिंदुस्तान की जाने माने बिजनेसमैन है, आपका बहुत बड़ा हिंदुस्तान में कारोबार है, तो इनके दिल में यह था कि मैं एक रोज़ा इफ्तार रखूं। और जब वक्त ना मिला तो आपने एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे कॉल करी, लेकिन मैं बेहद खुशी हुई यहाँ पर कि हर उस मोहब्बत करने वाले ने अपनी शिरकत ही नहीं, यहाँ पर मौजूदगी जाहिर करके ये साबित कर दिया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी एक आवाज़ के ऊपर हमेशा तैयार हैं।